नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। कहते हैं कि इरादा नेक हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। उसका जीता जागता उदाहरण आजमगढ़ जिले के अरोला क्षेत्र के गजेधर पट्टी भदौरा गांव में स्थित मुशहर बस्ती में है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अरोला विकासखंड के गजेधर पट्टी भदौरा ग्राम सभा में लगभग 20 घरों की एक मुशहर बस्ती है। इसे मॉडल बस्ती के रूप में विकसित करने का संकल्प लेकर लगभग एक वर्ष पूर्व खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद यहां से गए थे। उस समय हालात यह थे कि इस बस्ती में जाने के लिए न तो कोई रास्ता था और न ही इन लोगों के पास रहने के लिए कोई मकान था। बस्ती के सभी लोग झोपड़ी डालकर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वही ऊंचाई कम होने के चलते बरसात होते ही बस्ती में कमर भर पानी लग जाता था, जिससे बस्ती के लोगों का जीना मुहाल हो जाता था। जब यह हालात खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने देखा तो उन्होंने उसी समय यह ठान लिया कि इस बस्ती को मॉडल बस्ती के रूप में विकसित करना है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने जहां पर काम करना शुरू किया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुतेंद्र सिंह उर्फ सोनू, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रतीक सिंह व खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद के प्रयास से सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। बस्ती के सभी लोगों को शौचालय की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही नाली और अंडरलॉकिंग का भी निर्माण कार्य कराया गया। बरसात के समय में पानी लगने की समस्या को देखते हुए पूरे बस्ती में 200 ट्रालियों से ज्यादा मिट्टी गिरवाई गई, जिससे बस्ती के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव आए और मूलभूत सुविधाएं मिलने से वह खुश नजर आए। बस्ती के लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया और उनके बच्चों का सरकारी विद्यालय में नामांकन कराया गया। ये तमाम सुविधाएं मिलने से बस्ती के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों और ग्राम प्रधान को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनमें खुशी की लहर है। सोमवार को खंड विकास अधिकारी मुशहर बस्ती में पहुंचे और बस्ती के लोगों से उनका हाल चाल जाना। आज सुनाते हैं खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद और स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। मैं आपका परमिला कहाँ की रहने वाली है? गजेंद्र पट्टी भदौरा। गजेंद्र पट्टी भदौरा की रहने वाली है। अच्छा, ये बताइए आज के तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की स्थिति क्या थी आपके यहाँ? बहुत मुसीबत रहा। क्या रहल मुसीबत बतावा? कच्चा घर मड़ईक रहा, चुआत बहत रहा, पानी बहा। जोगी बाबा की कृपा से हम लोग के आवास मिला, नाली बना, रोड बना, शौचालय बनल, कुल के व्यवस्था हो गई, राशन कार्ड हर एक चीज। मतलब प्रधान जी व्यवस्था करवाए हैं आपके यहाँ? प्रधान जी, BDO साहब, हम लोग, सेक्रेटरी साहब, सब करूँगा। अब बतावा पहले की अपेक्षा आप तो उनके कैसन मतलब लगत है? अब बहुत अच्छा लगत है। हाँ, रहले के ठेकान हो गया, हर एक चीज को सुविधा हो गई। ये क्या नाम है, RCC वगैरह भी बढ़िया से लग गई, पूरा रोड भी बढ़िया बन गया है, सब बढ़िया बन गया। अच्छा, बताते हैं लोग इसके पहले जो यहाँ पानी लग जाता था, कमर भर पानी लगा था, कमर भर पानी लगा था। हाँ। आपका मतलब कैसे के सही करूँगा? अब प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, सब मिलकर अपन जोगी बाबा का देश से सब कुल गए ना, माटी पटा। हाँ, सब पटा दे। कितना माटी लगभग पटल हुई? 150-200 ट्राली पटल हुई। 200 ट्राली पटल। आप आज जो है यहाँ निरीक्षण करने आए हैं ग्राम पंचायत भदौरा, गजेंद्र पट्टी भदौरा में मुशहर बस्ती की, क्या आपको मिला, पहले से क्या बदलाव हुआ है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग किया। इसके साथ साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ काम शुरू हुआ 2020 में, जब मुख्यमंत्री आवास आया। पहली बार जब मैं यहाँ पहुँचा था तो यहाँ घुटने भर जो है पानी था। इसके बाद मन में संकल्प लिया, प्रधान जी से बात हुई, सभी के सहयोग से अगर यहाँ जो आज आप बदलाव देख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रधान जी को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, अपने व्यक्तिगत कुछ सहयोग भी लिया, गांव पंचायत के जो संभ्रांत व्यक्ति थे, जैसे मिट्टी पटाई का कार्य हुआ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गाँव पंचायत के सहयोग से हुई हैं। और आज निसंदेह अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो वो यह नहीं कह सकता कि यह कोई बनवासी बस्ती है। तो आप स्वयं आप देख सकते हैं, इनको जो है 19 लाभार्थियों में से हमने सबका आवास कंप्लीट कराया, सबको शौचालय जो है 19 लोगों को दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ के बच्चे थे, इनका परिषदीय विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी के सहयोग से इनका 100% रजिस्ट्रेशन कराया गया, वहाँ नामांकन कराया गया है। इसके साथ साथ जो सरकार की अन्य योजना, जैसे आयुष्मान गोल्डन कार्ड, कुछ लोगों का बना है, कुछ का जिनका नहीं बना है, उसके लिए हम लोग प्रयास करके इनका 1-2 दिन में हम लोग इसको बनवा देंगे। इसके साथ साथ
जितने यहाँ लाभार्थी हैं आवास के, सबका जो है 100% राशन कार्ड हम लोगों ने बना दिया है। कुछ और यहाँ थोड़ा बहुत भी कार्य आवश्यक है, इसको हम लोग भविष्य में इसको एक मॉडल बस्ती के रूप में डेवलप करेंगे गांव पंचायत के सहयोग से, और फिर इसके बाद हम लोग जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी महोदय को यहाँ आमंत्रित करेंगे कि अगर उनका भी कोई मार्गदर्शन और आशीर्वचन मिल सके, ताकि एक इसको हम आजमगढ़ की एक मॉडल बस्ती के रूप में डेवलप कर सकें।